हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बोकारो। आज के इस वीडियो में कुछ अद्भुत चीज़ सीखने वाले हैं कि हिंदी टाइपिंग को जल्दी से जल्दी कैसे हम फास्ट करें। जल्दी से जल्दी फास्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को करना होगा पहले किस की से क्या चीज़ होता है उसको मालूम कर लें। कैसे मालूम करेंगे? लाइक दिस, ए से क्या आता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उसको आपको पहले किस की से क्या आता है वो आप पहले कॉपी में नोट कर लें। आफ्टर दैट, उसके बाद आपको करना क्या स्टूडेंट, आप वर्ड पैड को खोलें और टाइपिंग करना स्टार्ट करें। चलिए किस तरीके से, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैड को खोलें, वर्ड पैड खोलने का तरीका, विंडो आर करें, विंडो की प्लस आर, WORD PAD, वर्ड पैड खोल लें किसी भी तरीके से। और यहाँ से आप कृति देव फॉन्ट लें, यहाँ से आप क्या लेंगे, कृति देव, और यहाँ पे कृति KRU प्रेस करेंगे, कृति आ जाएगा। 010 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। साइज को आप यहाँ पे मान लेते हैं 28 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपको क लिखना है तो क के लिए आप डी लिखें, स्पेस करें। ख लिखना है तो बिग ब्रैकेट और के से खाएगा, एक्स से गाएगा, क्वेश्चंस मार्क और के, कोई भी चीज़ अगर आधा आता है तो उसको पूरा करने के लिए के का यूज करते हैं, घाएगा, और अल्ट 0179 करने से क्या आएगा, आपका अंग आएगा। तो ये हो गया क ख। फिर च के लिए आपका पी आएगा, पी लिखाएगा स्टूडेंट। उसके बाद छ के लिए हो जाएगा शिफ्ट के साथ एन कर देंगे। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर कैपिटल में प्रेस करना है तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, या नहीं कि कैप्स लॉक ऑन करके नहीं करना है। छ हो गया। ज के लिए टी प्रेस करेंगे, झ के लिए शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन करेंगे स्टूडेंट। और अंगा के लिए क्या करेंगे, य के लिए 1615 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, गलती से प्रेस हो गया वो 0165। ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे तो क ख क्लियर हो गया, यहाँ पे च छ। फिर च छ के बाद होता है आपका, है ना, त था, तो आर से त लिखेंगे। फिर थ के लिए कैपिटल एफ, मतलब कैपिटल एफ प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, और पूरा करने के लिए आप केत प्रेस करें, थ हो गया। द के लिए एन करेंगे, ध के लिए स्लैश स्लैश प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ नहीं देंगे, क्योंकि स्लैश नीचे होता है, की में जो नीचे रहते हैं उसको विदाउट शिफ्ट के, और कोई भी चीज़ पूरा आता है उसको, है ना, आधा आता है उसको पूरा करने के लिए के का यूज करते हैं, त था द ध हो गया। और स्मॉल यू करेंगे तो न आ जाएगा। फिर आप चाहते हैं ट ठ की ओर, ट कैपिटल भी, मतलब कैपिटल भी प्रेस करना है तो शिफ्ट होल्ड में रख के प्रेस करें, ट हो गया। ठ के लिए कैपिटल बी, मतलब शिफ्ट को होल्ड में रख के कैपिटल बी प्रेस करना है, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन करके भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से करेंगे तो आपका स्पीड में कमी आएगा और वो तरीका भी सही नहीं है। ठ हो गया। ड के लिए शिफ्ट के साथ एम, ढ के लिए शिफ्ट के साथ लेस देन करेंगे, और अगर बिंदु देना है नीचे तो शिफ्ट के साथ इक्वल टू, ट ठ ड ढ। न के लिए आप पॉइंट देंगे, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है ना, और के करेंगे बिंदु और के करेंगे, कोई भी चीज़ आधा आता है उसको पूरा करने के लिए के करते हैं। और प फ के लिए आप आई प्रेस करेंगे, प हो जाएगा। और फ के लिए शिफ्ट के साथ क्यू, मतलब कैपिटल क्यू। ब के लिए स्मॉल सी, मतलब आपको स्मॉल सी से ब आएगा। भ के लिए शिफ्ट के साथ एच, मतलब कैपिटल एच प्रेस करना है आपको शिफ्ट के साथ, मतलब शिफ्ट के साथ जो बोल रहे हैं आपको कैपिटल हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर आधा लेटर आता है उसको पूरा करने के लिए एनी हाउ के का यूज करते हैं हम लोग, और हमेशा के स्मॉल होता है, कोई भी चीज़ आधा लिखा हुआ है पूरा करने के लिए। म के लिए ई, तो ये हो गया आपका। ये इसको आपको, अगर स्पीड आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम टाइपिंग का स्पीड बढ़ाएं तो उसके लिए क ख ग घ, है ना, च छ ज झ ञ, त थ द ध न, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, ये जो है कम से कम आप 20 पेज में टाइप करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, 20 पेज में आप टाइप करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको करना है।
उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।